नाग पूजा भाग 4। प्रोफेसर साहब चुपके से लौट आए, अपने कमरे में जाकर किसी औषधि की एक खुराक पी और पिस्तौल तथा सांगा लेकर फिर तिलोत्तमा के कमरे में पहुंचे। विश्वास हो गया कि यह वही मेरा पुराना शत्रु है। इतने दिनों से टोह लगाता हुआ यहाँ आ पहुंचा, पर इसे तिलोत्तमा से क्यों इतना स्नेह है? उसके सिरहाने में यूं बैठा हुआ है मानो कोई रस्सी का टुकड़ा है, ये क्या रहस्य है? उन्होंने सांपों के विषय में बड़ी अद्भुत कथाएं पढ़ी और सुनी थी, पर ऐसी कौतूहलजनक घटना का उल्लेख कहीं न देखा था। वे इस भांति सशस्त्र होकर फिर कमरे में पहुंचे तो सांप का पता न चला। हाँ, तिलोत्तमा के सिर पर भूत सवार हो गया था। वो बैठी हुई आग्नेय नेत्रों से उनकी ओर ताक रही थी, उसके नैनों से ज्वाला निकल रही थी जिसकी आँच 2 गज तक लगती। इस समय उन्माद अतिशय प्रचंड था। दयाराम को देखते ही बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी और हाथों से आघात करने के बदले उन्हें दांतों से काटने की चेष्टा करने लगी। इसके साथ ही अपने दोनों हाथ उनकी गर्दन पर डाल दिए। दयाराम ने बहुतेरा चाहा, एड़ी चोटी का जोर लगाया कि अपना गला छुड़ा लें, लेकिन तिलोत्तमा का बाहुपाश प्रतिशण सांप की केरनी की भांति कठोर और संकुचित होता जाता था। उधर ये संदेह था कि इसने मुझे काटा तो कदाचित इसे जान से हाथ धोना पड़े। उन्होंने अभी जो औषधि पी थी वो सर्प विष से भी अधिक घातक थी। इस दशा में उन्हें ये शोक में विचार उत्पन्न हुआ, ये भी कोई जीवन है कि दंपति का उत्तरदायित्व तो सब सिर पर सवार, उसका सुख नाम का नहीं, उल्टे रात दिन जान का खटका, ये क्या माया है? वो सांप कोई प्रेत तो नहीं जो इसके सिर आकर ये दशा कर दिया करता है? कहते हैं कि ऐसी अवस्था में रोगी पर चोट की जाती है तो वो प्रेत पर पड़ती है। नीची जातियों में इसके उदाहरण भी देखे हैं। वे इसी हैस बहस में पड़े हुए थे कि उनका दम घुटने लगा। तिलोत्तमा के हाथ रस्सी के फंदे की भांति उनकी गर्दन को कस रहे थे। वे दीन असहाय भाव से इधर उधर ताकने लगे, क्यों का जान बचे, कोई उपाय न सूझ पड़ता था। सांस लेना दुष्कर हो गया, देह शिथिल पड़ गई, पैर थरथराने लगे। सहसा तिलोत्तमा ने उनके बाहों की ओर मुंह बढ़ाया। दयाराम कांप उठे, मृत्यु आंखों के सामने नाचने लगी। मन में कहा, ये समय मेरी स्त्री नहीं, विषैली भयंकर नागिन है, इसके विष से जान बचाने मुश्किल है। अपनी औषधि पर जो भरोसा था वो जाता रहा। चूहा उन्मत्त दशा में काट लेता है तो जान के लाले पड़ जाते हैं। भगवान, कितना विकराल स्वरूप है, प्रत्यक्ष नागिन मालूम हो रही है। अब उल्टी पड़े या सीधी, इस दशा का अंत करना ही पड़ेगा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि अब गिरा ही जाता हूँ। तिलोत्तमा बार बार सांप की भांति पुकार मारकर जीभ निकालते हुए उनकी ओर झपटती थी। एकाएक वो बड़े कर्कश स्वर में बोली, मूर्ख, तेरा इतना साहस कि तू इस सुंदरी से प्रेमालिंगन करे? ये कहकर वो बड़े वेग से काटने को दौड़ी। दया राम का धैर्य जाता रहा। उन्होंने दाहिना हाथ सीधा किया और तिलोत्तमा की छाती पर पिस्तौल चला दी। तिलोत्तमा पर कुछ असर ना हुआ, बाहें और भी कड़ी हो गई, आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। दया राम ने दूसरी गोली दाग दी, ये चोट पूरी पड़ी। तिलोत्तमा का बाहुबंधन ढीला पड़ गया, एक क्षण में उसके हाथ नीचे को लटक गए, सिर झुक गया और वो भूमि पर गिर पड़ी। तब ये दृश्य देखने में आया जिसका उदाहरण कदाचित अलिफ लैला चंद्रकांता में भी न मिले। वहीं पलंग के पास जमीन पर एक काला दीर्घकाय सर्प पड़ा तड़प रहा था। उसकी छाती और मुख से खून की धारा बह रही थी। दयाराम को अपनी आंखों पर विश्वास न आता था। ये कैसी अद्भुत प्रेत लीला थी? समस्या क्या है, किससे पूछूं? इस तिलसम को तोड़ने का प्रयत्न करना मेरे जीवन का एक कर्तव्य हो गया। उन्होंने सांगे से सांप की देह में एक कोंचा मारा और फिर वे उसे लटकाए हुए आंगन में आए। बिल्कुल बेदम हो गया था। उन्होंने उसे अपने कमरे में ले जाकर एक खाली संदूक में बंद कर दिया। उसमें भूस भरवाकर बरामदे में लटकाना चाहते थे। इतना बड़ा गेहवन सांप किसी ने ना देखा होगा। तब वे तिलोत्तमा के पास गए। डर के मारे कमरे में कदम रखने की हिम्मत न पड़ती थी। हाँ, इस विचार से कुछ तस्कीन हो गई थी कि सर्प प्रेत मर गया है तो उसकी जान बच गई होगी। इस आशा और भय की दशा में वे अंदर गए तो तिलोत्तमा आईने के सामने खड़ी केश सवार रही थी। दया राम को मानो चारों पदार्थ मिल गए। तिलोत्तमा का मुख कमल खिला हुआ था, उन्होंने कभी उसे इतना प्रफुल्लित ना देखा था। उन्हें देखते ही वो उनकी ओर प्रेम से चली और बोली, आज इतनी रात तक कहाँ रहे? दयाराम प्रेमोन्नत होकर बोले, एक जलसे में चला गया था। तुम्हारी तबीयत कैसी है, कहीं दर्द नहीं है? तिलोत्तमा ने आश्चर्य से देखकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरी छाती में दर्द हो रहा है, जैसे चिलक पड़ गई हो।